अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अलारखा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आरखवाला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 मेजरमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड एंड कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है। इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक नंबर आपको नजर आ रहा है 134.7। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम 1.347 लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो कितने डिजिट जो है लेफ्ट साइड को मूव कर गया। तो यहाँ से काउंट करें तो ये 1, 2, तो यहाँ पर आपके पास 10 की पावर 2 जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इसको लिख दीजिएगा 1.347 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 2। एक और एग्जाम्पल देखें 0.0023। जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे 2.3। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डेसिमल प्लेस जो है राइट वर्ड कितने डिजिट जा रहा है। तो यहाँ से गिन लें, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पर पावर आपकी नेगेटिव में आएगी। यहाँ ख्याल रखें, जब भी आपका डेसिमल प्लेस जो है वो राइट वर्ड जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी, और अगर आपका जो डेसिमल प्लेस है जैसे कि इस पहली एग्जाम्पल में आप देख रहे थे ये राइट वर्ड आएगा, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव आएगी। जैसा कि इसमें देख रहे हैं 1.347 एक्सपोनेंट 2 है। इसको एक और एग्जाम्पल से भी नीचे एक्सप्लेन किया गया, यहाँ देखिए 33,000,000 मीटर। तो जब हम इसको लिखेंगे 3.3 तो उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा जो डेसिमल प्लेस है यहाँ से कितने डिजिट जो है वो राइट वर्ड मूव करके। तो यहाँ से गेन ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो वो 10 रेज पावर 7 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे एक और एग्जाम्पल है जिसमें 0.000,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 
हो रहा है राइट वर्ड, जबकि पहले वाली एग्जाम्पल में ये शिफ्ट हुआ था लेफ्ट वर्ड। तो लेफ्ट वर्ड में पावर पॉजिटिव ली गई और राइट वर्ड में पावर नेगेटिव ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशन का लफ्जी मतलब होता है रवायत, रवाज या तरीका, यानी साइंटिस्ट जो पहले से तरीका इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो कौन सा है जिसके जरिए यूनिट्स को हम जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशन हैं, कन्वेंशन हैं, उनको यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, जिनमें नंबर वन है फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे न्यूटन है, पास्कल है या जूल है, ये अगर आप जानते हैं न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, पास्कल भी साइंटिस्ट है, जूल भी साइंटिस्ट है, लेकिन जब इसको यूनिट के तौर पे लिखा जाएगा तो इसका पहला लेटर कभी भी कैपिटल नहीं आएगा। नंबर दो, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर एज एन फॉर न्यूटन, पी ए फॉर पास्कल एंड जे फॉर जूल। यानी अगर आप उसकी सिर्फ सिंबल यूज कर रहे हैं
साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट रखा जाएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसा कि न्यूटन में एन और पास्कल में पी के बाद ए छोटा आ जाएगा और जौल वगैरह। और तीसरा है परीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस, यानी जब परीफिक्स, परीफिक्स क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि मिली है, सेंटी है, डेसी है, किलो है, ये सारे परीफिक्स कहलाते हैं, यानी जो चीज़ शुरू में लिखी जाती है उसको परीफिक्स का नाम दिया जाता है। तो जब भी किसी यूनिट के साथ परीफिक्स आएगा तो बगैर स्पेस के लिखेंगे, जैसा कि 1 मिली मीटर। अब यहाँ जो जो पहले है हमारा, ये मिली परीफिक्स का है, एम मीटर का है। ऐसे 2 माइक्रो कोलम, तो यहाँ जो माइक्रो है ये परीफिक्स है, कोलम यूनिट है, 100 किलोग्राम, तो इसमें जो के है ये परीफिक्स है, जबकि जी जो है ये ग्राम को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह ही जब किसी भी यूनिट का कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए बेस यूनिट इज रिटन एज 1 स्पेस अपार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये हमने जैसे कि न्यूटन मीटर लिखा है, तो न्यूटन और मीटर के दरमियान स्पेस होना ज़रूरी है। ऐसे जूल सेकंड एक एग्जाम्पल है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है, इसको कभी भी डैश या कॉमा के जरिए आपने नहीं लिखना, बल्कि इसका यानी जो रूल है या इसकी कन्वेंशन है वो यही है कि आप हमेशा उसको एक स्पेस के साथ इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड परीफिक्स आर नॉट अलाउड, यानी एक ही जगह दो परीफिक्स इकट्ठे यूज नहीं किए जा सकते, जैसा कि माइक्रो माइक्रो फैरड कैन बी रिटन एज पीको फैरड, जबकि पीको जो है ये 10^-12 इक्वल होती है। और आखिर पे एक बहुत ही अहम कन्वेंशन जो है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगी, उसका जिक्र है, व्हेन ए मल्टीपल ऑफ ए बेस यूनिट इज रेज टू ए पावर, जब भी किसी बेस यूनिट की मल्टीपल की पावर को रेज किया जाता है, द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द बेस यूनिट अलोन। तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आपने यूनिट का जो है वो पावर रेज करना है, बल्कि उस मल्टीपल का भी करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1 किलोमीटर स्केयर, तो इसको हम लिखेंगे 1 किलोमीटर होल के ऊपर स्केयर लगाया जाएगा। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं किलो के अंदर होते हैं 1000, यानी 10^3, तो ये 10^3 की पावर जब 2 होगी तो ये बन जाएगा 1 × 10^6 m². इसको मजीद आप नीचे देखें एक्सप्लेन किया गया, जैसा कि 1 सेंटीमीटर है, अगर इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो बनेगा 10^-2 m। याद रखें 10^ को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट होने के बाद बन जाएगा एक्सपोनेंट -2 m। अब जब हम इसकी पावर करेंगे तो पावर सिर्फ मीटर की नहीं होगी, बल्कि इसके साथ जो मल्टीपल आ रहा है एक्सपोनेंट -2, या जिसको 10^-2 कहते हैं, इसकी भी पावर करेंगे, तो यानी 1 सेंटीमीटर स्केयर जो होगा ये लिखा जाएगा एक्सपोनेंट -4 m². सिमिलरली अगर हम इसी 1 सेंटीमीटर की पावर 3 करें, यानी क्यूब करें, तो फिर ये सिर्फ मीटर की पावर 3 नहीं होगी, बल्कि उसके साथ जो मल्टीपल आ रहा है जिसको 10^-2 से इंडिकेट किया गया है, वो सारे की पावर भी 3 होगी, और अगर उसको हम हल करके लिखें तो बन जाएगा एक्सपोनेंट -6 m³। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो हैं आपके न्यूमेरिकल के अंदर यूज होती हैं, और बहुत सारे MCQs को सॉल्व करते वक्त भी हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी किसी यूनिट की पावर को रेज किया जाता है तो वो पावर सिर्फ यूनिट की नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो
मल्टीपल आ रहा होता, जैसा कि इस एग्जाम्पल में 10 रेज पावर माइनस 2 है, तो ये भी उसके साथ ही रेज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक था एरर एंड अनसर्टेनिटी, क्या चीज़ होती है। एरर जो है इसका लफ्जी मैनी होता है गलती, और अनसर्टेनिटी का लफ्जी मैनी होता है गैर यकीनियत। सबसे पहले तो इनको तीन तीन जो डिफरेंसेस हैं वो अलहदा अलहदा जो है वो लिख दिए गए हैं, जैसा कि एरर किस वजह से होती है। तो उसकी सबसे पहली रीजन होती है नेगलिजेंस आर इन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, यानी किसी आदमी की लापरवाही या ना तजर्बाकारी जो है गलती की पहली वजह हो सकती है। नंबर दो है फॉल्टी अपरेटस, यानी अपरेटस का सही ना होना। अगर अपरेटस के अंदर खराबी आ चुकी है तब भी गलती हो सकती है। और तीसरा है इन अप्रोप्रिएट मैथड आर टेक्निक। इन अप्रोप्रिएट का मतलब है नामुनासिब, मैथड का मैंने तरीका है, टेक्निक का मैंने तरीका है, यानी ऐसा तरीका जो मुनासिब ना हो तब भी गलती होने का इम्कान होता है। लेकिन अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं गैर यकीनियत, यानी जिस बात पे कोई यकीन ही ना करे। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अगर कहता है कि मैंने कागज़ का साइज़ जो है वो मीटर रॉड से मालूम कर लिया, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, कोई भी आदमी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मीटर रॉड जो है वो तो कागज़ के साइज की मैश कर सकता ही नहीं है। तो उसके लिए तीन चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई हैं। तो अनसर्टेनिटी या गैर यकीनित होने की सबसे पहली वजह है इन एडिक्वेसी आर लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इन एडिक्वेसी का मैनी है नामुनासिब, गैर मौजूं, यानी जो चीज़ जिस काम के लिए बनाई ही ना गई हो अगर उसको मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा तो लाजमी तौर पर उस मेजरमेंट पे किसी को यकीन नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हम मीटर आर्ट के जरिए कोई कहे कि मैंने कागज़ का साइज मालूम कर लिया, तो मीटर आर्ट कागज़ का साइज मालूम करने के लिए मौजूं है ही नहीं, या उसकी हद इतनी नहीं है कि वो कागज़ का साइज मेजर कर सके। दूसरी चीज़ है नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, यानी जो चीज़ जिस चीज़ की मैच की जा रही थी उसके अंदर कुदरती तब्दीली आ गई, जैसा कि यकदम टेम्परेचर चेंज हो गया, पोटेंशियल चेंज हो जाए, या और कोई तब्दीली आ जाए जिसके जरिए जो हमारा कैलकुलेशन है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए, तो उस मेजरमेंट के ऊपर भी यकीन नहीं किया जा सकता, वो भी अनसर्टेनिटी के जुमरे में आएगी। और तीसरी चीज़ है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ ए पर्सन सेंस, कुदरती, नेचुरल कुदरती इम्परफेक्शन का मतलब है परफेक्ट के उल्ट होना, यानी माजूरी होना, यानी अगर किसी के अंदर कोई कुदरती माजूरी है, यानी सेंस के अंदर, इन सेंस हमारी पांच हैं, देखना, सुनना, चखना या सूंघना वगैरह, तो अगर इनमें किसी एक के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है तो उस आदमी की जो मेजरमेंट है, जो पैमाइश है, वो काबिले एतबार नहीं होगी, वो अनसर्टेनिटी के जुमरे में आती है। यानी जैसा कि एक आदमी जो है उसको सुनता ही नहीं है सही, तो वो जब रेजोनेंस वाला प्रैक्टिकल करेगा तो उसका रिजल्ट जो है वो कभी भी दुरुस्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसकी बात पे यकीन हम नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर एक आदमी की नज़र वीक है और वो रीडिंग ले रहा है, तो उसकी रीडिंग जो है उसमें लाजमी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर सही होगी, तो ऐसी चीज़ को हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। अब इनके अंदर दोबारा ज़रा डिफरेंस देख लें, एरर की वजह तीन है नेगलिजेंस आर इन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, नंबर दो फॉल्टी ऑपरेटर्स, और नंबर तीन इन अप्रोप्रिएट मेथड आर टेक्निक। जबकि अनसर्टेनिटी की भी तीन रीजन हैं, इन एडिक्वेसी आर लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड,
और तीसरा है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ ए पर्सन सेंस। इसके बाद है एरर की टाइप्स कितनी है। तो आमतौर पे जो एरर की टाइप्स हैं वो थ्री हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो टाइप्स जो है उनको एक्सप्लेन किया गया, जिनमें नंबर वन है रैंडम एरर। इसका मैनी होता बेकायदा, यानी जिसका कोई रूल कोई हिसाब किताब ना हो या समझ ना रही हो उसको रैंडम एरर का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सादा है, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ ए क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। यानी अगर एक मैच हम कर रहे हैं और उसके अंदर बार बार गलती आ रही है तो ऐसी मैच जो है या ऐसी जो गलती है वो रैंडम एरर कहलाती है। इसकी काजेज वजूहात जो है वो अननोन है, यानी पता नहीं होता कि किस वजह से ये गलती पेश आ रही है। इसको काम करने का तरीका क्या है, रिड्यूस द एरर बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट एंड टेकिंग एन एवरेज। यानी हम उस मेजरमेंट को कई दफ़ा रिपीट करते हैं और उसका एक एवरेज लेने से ये हमारी जो गलती है दूर हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल पेंडोलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कभी भी आप एक वाइब्रेशन का टाइम सही रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी एक वाइब्रेशन का टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो आपने स्टॉपवॉच को ऑन भी करना है उसको ऑफ भी करना है, तो हर दफ़ा ऑन और ऑफ करने पर आपकी गलती होगी। इसलिए हम हमेशा ही जब इसकी रीडिंग लेते हैं तो कम से कम हम 10 वाइब्रेशन की रीडिंग नोट करते हैं या 20 वाइब्रेशन की करते हैं, जैसा कि आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल में देखा होगा। तो ऐसी सूरत में पहली रीडिंग में एरर आएगी या आखिरी में आएगी, जबकि जो दरमियान वाली 18 रीडिंग होंगी उनके अंदर कोई गलती नहीं होगी। इस तरह जो एवरेज आएगी उसमें गलती बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कम हो जाती है। ऐसे जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें भी आप देखते हैं, जैसा कि वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा या सुग्रीव गेज का, तो उसमें हमेशा 3 दफ़ा आप मेजरमेंट करते हैं, तो उसका मकसद भी यही होता है कि रैंडम एरर जो है उसका इफेक्ट जो है वो कम कर दिया जाए। दूसरी टाइप जो है सिस्टमेटिक एरर है, बाकायदा जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी किसी रूल के तहत हो रही है, किसी खास तरीके से हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन सादा सी है कि सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूसेस इक्वल डिफरेंस इन रीडिंग, यानी इस रीडिंग के अंदर हर रीडिंग का फर्क एक जैसा आएगा। यानी इसकी कुछ वजूहात हैं, नंबर वन है अकर्स ड्यू टू जीरो एरर। पहली वजह इसकी क्या है, जीरो एरर की वजह से हो सकती है। जैसा कि हम वर्नियर कैलिपर के अंदर या सुप्रीम गेज की रीडिंग लेते हैं तो हम सबसे पहले उसका जीरो एरर चेक करते हैं, तो अगर जीरो एरर में मौजूद है तो जाहिर है वो जीरो एरर हर रीडिंग के ऊपर अफेक्ट करेगा। इसको काम करने का तरीका क्या, रिड्यूस्ड बाई जीरो करेक्शन, यानी जो जीरो एरर होती है वो हम काउंट कर लेते हैं और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके असल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। इसको जीरो एरर का नाम दिया जाता है या जीरो करेक्शन कहते हैं। और दूसरा तरीका कंपेरिजन, यानी जिस डिवाइस के अंदर ऐसा मसला आ रहा है तो हम उसको कंपेयर करते हैं किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी रीडिंग 100% ठीक है या बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम जो है सिस्टमेटिक एरर को दूर कर सकते हैं। जबकि मैंने शुरू में बताया था कि टाइप्स ऑफ एरर कुल 3 हैं, लेकिन यहाँ 2 का जिक्र है, तो तीसरी किस्म की जो एरर है उसको हम पर्सनल एरर का नाम देते हैं। यानी वो इंसानी गलती या शख्सी गलती का नाम दिया जाता है जो खुद उस अपने बंदे की वजह से होने की हो सकती है। अब हम आते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले अहम MCQs, जैसे आपका जो जितना टॉपिक पढ़ा गया वो सिर्फ ना रिवाइज हो जाएगा बल्कि आपको बहुत सारे और कंसर्न मिल जाएंगे, जैसे कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है।
तो ये आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक जो है, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर परीफिक्स दिए गए हैं। अगर आप वहाँ से इनको तमाम को याद कर लें, तो इस तरह के तमाम MCQ जो हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। नंबर दो है, एन एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन अराइजन आउट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन। नेग्लिजेंस की वजह से कौन सी एरर होती है, अभी आपने पढ़ा है तो उसका भी जवाब हम देते हैं। और तीसरा, यूज ऑफ आर्टिब्रेटस इंट्रोड्यूसेस एन एरर इज कॉल्ड आर्टिब्रेटस, की इस वजह से होती है एरर, और रैंडम एरर कैन बी कोरेक्टेड बाई, रैंडम एरर को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और अगला है, काजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट आर। तो हम देखते हैं पहले सवाल का जवाब क्या है। तो आपके सामने जवाब आ चुका है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स 10^-6 मीटर। यहाँ मैंने पावर ऊपर नहीं लगाई, उसके साथ ही लिखी हुई है, तो ये 10^-6 पढ़ा जाएगा। ये जितने भी यहाँ लिखे हैं इन सब में ये 10 की पावर काउंट होगी, तो इसको हम एक्सपोनेंट -6 मीटर भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा था दूसरा, एन एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन अराइजिंग आउट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड, तो इसको हम पर्सनल एरर का नाम देते हैं, जैसे कि डेफिनेशन भी पीछे थी पर्सनल एरर क्या है। तीसरा, यूज ऑफ आर्टिब्रेटस इंट्रोड्यूस एन एरर इज कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे जो ऑपरेटर्स के अंदर नक्स की वजह से होती है, सिस्टमेटिक एरर, जिसको जीरो एरर का नाम दिया जाता है। और चौथा है, रैंडम एरर किस वजह से हो सकती है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, रैंडम एरर कैन बी कोरेक्टेड बाई टेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशंस, कई ऑब्जर्वेशन लेकर हम उसका एवरेज लेकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। काजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट आर, सिस्टमेटिक एरर की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो ये नोन होती हैं, जैसा कि जीरो एरर होता है या जीरो करेक्शन वगैरह, तो उसकी मदद से हम इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है एक ऑप्शन के 1024 कैन बी रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन एज। तो अभी मैंने जैसा कि आपको तरीका एक्सप्लेन किया था कि जहाँ भी हम मौजूद हैं, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 1024 है, तो हमने डेसिमल प्लेस 1 के बाद लगा देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डेसिमल प्लेस जो है वो कितने डिजिट जो है वो राइट लेफ्ट वर्ड जो है वो मूव कर गया। तो मौजूदा सूत्र में आप देखें हमारा डिजिट कितने दर्जे चला गया राइट साइड पे, 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा बन रहा है। दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कम्पोज, ये कुछ पिछले यानी सवालों से आ गया, तो ये इसका तल्क जो है पार्टिकल फिजिक्स से होता है। ऐसे ये 0.0023 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज, तो इसका तरीका भी यही है कि आप डेसिमल प्लेस जो है 2 के बाद लगा देंगे, और उसके बाद देखेंगे डेसिमल प्लेस आपका कितना दर्जे जो है लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर गया, कितना मूव कर गया। तो यहाँ देखें ये 1, 2 और 3, यहाँ नेगेटिव में आएगी तो ये बन जाएगा 2.3 एक्सपोनेंट -3 आपका आंसर होगा। तो इनके आंसर जो है आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं, यानी 1024 को लिखा जाएगा 1.024 एक्सपोनेंट 3, और 0.0023 लिखा जाएगा 2.3 एक्सपोनेंट -3, जबकि जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसका तल्लुक अल्टीमेट पार्टिकल से है उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर